नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐप अप टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, ऐप अप टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और ऐप अप टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि ऐप अप टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और यह भी जानेंगे कि क्या वजन को बढ़ाने के लिए ऐप अप टैबलेट को लेना सही है या नहीं। ऐप अप टैबलेट एक एंटीहिस्टामिन ड्रग क्लास की दवा है, जिसका उपयोग भूख को बढ़ाने के लिए और एलर्जी व नजला के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है। एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे कि नाक से पानी बहना, आँखों से पानी आना, आँख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आदि लक्षणों से राहत पाने के लिए भी ऐप अप टैबलेट का उपयोग किया जाता है। जिन व्यक्तियों को भूख कम लगती है, उन व्यक्तियों में भूख को बढ़ाने के लिए डॉक्टर ऐप अप टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। ऐप अप टैबलेट भूख को बढ़ाकर वजन को भी बढ़ाने में सहायक होती है। ऐप अप एक ब्रांड नेम है। ऐप अप टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन साइप्रोहेप्टाडीन 4 mg होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐप अप टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। वैसे ऐप अप टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर ऐप अप टैबलेट को खाना खाने के बाद ही लेने की सलाह देते हैं। 12 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर ऐप अप 4 mg टैबलेट को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं, लेकिन ऐप अप टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको ऐप अप टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐप अप टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ऐप अप टैबलेट की वजह से नींद अधिक आ सकती है और शरीर में सुस्ती हो सकती है। ऐप अप टैबलेट की वजह से वजन बढ़ सकता है, क्योंकि ऐप अप टैबलेट भूख को बढ़ाती है, जिसकी वजह से वजन बढ़ सकता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों में ऐप अप टैबलेट की वजह से भूख कम भी हो सकती है। इसके अलावा ऐप अप टैबलेट की वजह से गले, मुंह और नाक में सूखापन, चिड़चिड़ापन, नींद न आना, दस्त, कब्ज, सिरदर्द, चक्कर आना, उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना आदि साइड इफेक्ट्स ऐप अप टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐप अप टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में ऐप अप टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। ऐप अप टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐप अप टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐप अप टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों में कुछ समय के लिए मानसिक सतर्कता कम हो सकती है और नींद अधिक आ सकती है। जो व्यक्ति दिन के समय ऑफिस में जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को डॉक्टर ऐप अप टैबलेट को केवल शाम के समय लेने की सलाह दे सकता है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों को ऐप अप टैबलेट को लेने के बाद नींद अधिक आ सकती है, जिसकी वजह से उनका ऑफिस का काम प्रभावित हो सकता है। अब हम जानेंगे कि क्या वजन बढ़ाने के लिए ऐप अप टैबलेट को लेना सुरक्षित है या नहीं। देखिए, भूख को बढ़ाने के लिए ऐप अप टैबलेट को लिया जा सकता है, लेकिन कुछ व्यक्ति वजन को बढ़ाने के लिए ऐप अप टैबलेट के साथ साथ स्टेरॉइड्स दवाओं जैसे डेक्सोना आदि दवाओं का सेवन करते हैं। डेक्सोना दवा की वजह से सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी दवा को लेने से पहले आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं ऐप अप टैबलेट को ले सकती है या नहीं। ऐप अप टैबलेट प्रेगनेंसी कैटेगरी बी की दवा है। वैसे ऐप अप टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर ऐप अप टैबलेट को लेने की सलाह तभी देते हैं जब ऐप अप टैबलेट का देना बहुत ही जरूरी हो, और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए
ऐप अप टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ऐप अप टैबलेट माँ के दूध के जरिए बच्चे तक पहुँच सकती है और दूध पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ऐप अप टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ऐप अप टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका ऐप अप टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।